और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले। अंशुल जी, आपसे शुरुआत करेंगे। पहले बताइए कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर आखिरी एक घंटे के ट्रेड के लिए? देखिए, कंजम्पशन स्पेस में काफी बुलिशनेस देखने के लिए मिल रही है। ऑलरेडी जुबिलेंट फूड में पहला टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। तो इस स्टॉक को 484 को करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 478 के आसपास रहेगा। आज का जो हाई बना है यही इमीडिएट टारगेट रहेगा 497 का, और एक बार जहां 500 रुपए के ऊपर निकलना स्टार्ट करेंगे 515 तक के टारगेट मिलेंगे। तो ना सिर्फ एक से डेढ़ दिन बल्कि इसको पूरे वीक का अगर प्ले बनाते हैं तो 515 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है पसंद अंशुल जी की तरफ से आती हुई। आदित्य जी, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं, बताइए पाप है प्लिक के तौर पर आपको क्या पसंद आ रहा है? मेटल काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। मैं डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं, तो आप एक बार अपना एनालिसिस करके आगे बढ़े। मुझे टाटा स्टील पसंद आ रहा है। मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी है और एक ये अच्छा रिबाउंड ट्रेड हो सकता है। हालांकि मार्केट का नेचर काफी वोलेटाइल अभी चल रहा है, बट मुझे लगता है कि टाटा स्टील को अभी अक्यूमुलेट किया जा सकता है 164 में, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 161 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 167 से लेके 170 के। ठीक है, तो टाटा स्टील पसंद आती हुई इस वक्त आदित्य अरोड़ा साहब को, और आपको अहम लेवल और स्टॉप लॉस भी सुझा दिया गया है। की ओर बढ़ते हैं, और ये है हमारा इलेक्शन वीआईपी सेगमेंट। जी हाँ, आज इलेक्शन वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा जुड़ चुके हैं। विवेक, बताइए आपकी इलेक्शन वीआईपी पिक आज की कौन सी है? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इलेक्शन वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक उन्होंने जो दी है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। 280 के लक्ष्य, 280 और इससे ज्यादा के लक्ष्य के लिए ये विवेक करवा की पसंद। बैंक ऑफ बड़ौदा 250 का स्टॉप लॉस यहां पर आप लगाएं। तो ये है इलेक्शन वीआईपी पिक, और चलिए कुछ फटाफट से कुछ स्टॉक पर भी चर्चा कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि सीजी पावर में अच्छी तेजी नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि 4.25% से ज्यादा की तेजी इस वक्त सीजी पावर में नजर आती हुई। वहीं एक दूसरा स्टॉक मैं और ऐड करना चाहता हूं, एसबीआई। क्या ये करेक्शन एक मौका हो सकता है एसबीआई में? इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक देखें तो दूसरा दिन है जहां पर आज हम देख रहे हैं कि तेजी बने हुए दबाव भरे बाजार के बावजूद। तो अंशुल जी, जरा बताइए सीजी पावर, SBI, हालांकि SBI पे दबाव है, क्या ये दबाव एक मौका है? और दूसरा जो स्टॉक है, तीसरा स्टॉक माफ कीजिएगा, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बताइए इन तीनों पर क्या राय है आपकी? प्रशांत जी, देखिए सीजी पावर में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है। कप नैंडल पैटर्न था डेली चार्ट पे, 30 दिन का कप नैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट आया है 565 पे। तो यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 610 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से बाई करके चलना चाहिए। दूसरा, एसबीआई प्रीवियस मंथ हाई के पास 3 अटेम्प्ट किया था तोड़ने का, लेकिन फेल रहा है और रिट्रेसमेंट आ रही है। कल के शो में भी मैंने कहा था 793 के आसपास मिलता है तो वहां से लॉन्ग करना चाहिए, बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है। तो वो बाउंस बैक स्टार्ट हो गया है, करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। ब्रेकआउट बाई करना है तो 805 के ऊपर बाई कर सकते हैं। दोनों केस में इमीडिएट टारगेट 815 से 820 का रहेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि डाउन मूव के बाद ये अब साइडवेज जाता हुआ दिखेगा। तो करंट मूव में 815 820 मिलेगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। तीसरा, आपने कोटक बैंक का, कोटक बैंक 41 महीने का एक बेस का ब्रेकडाउन किया था, फेल्ड लो की फॉर्मेशन थी और कल के सेशन में यहाँ से वापिस से अप मूव दिया है। यहाँ पे एक फील्ड लो है मंथली चार्ट पे, तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को बाई कर सकते हैं। एज ए वैल्यू पिक ऊपर में 1800 तक का टारगेट मिलेगा, और अगर इमीडिएटली ट्रेडिंग बेट लेना है तो 1675 तक का टारगेट मिल सकता है।